वेलकम अगेन व्यूअर्स। आज के भी सवाल आपके ऑलमोस्ट सेम है, बहुत सारे लोगों ने एक जैसे सवाल किए हैं, और उसमें जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है कि क्या आई एक्सरसाइज से आंखों का नंबर इम्प्रूव हो जाता है। तो हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है कि इम्प्रूव हो सकता है अगर आपका नंबर इनिशियल स्टेज पर है, यानी अभी आंखों में नंबर आया है, यानी जिसे हम 0.25 या 0.50 कहते हैं। ऐसी स्थिति में तब अगर हम आंखों का ध्यान रखें और सही से आई एक्सरसाइज करें तो हमारा नंबर ठीक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना भी चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इसी पर होगा, आप उसे वीडियो देख सकते हैं, उससे सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल है जॉब के पर्पज़ से, कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया या आर्मी हो गया, तो उसमें जो अब मेडिकल जो होता है आंखों का वो बहुत स्ट्रिक्टली होता है, और उसमें जो आंखों की जांच के लिए जो मशीन्स वो अब यूज़ करते हैं वो भी बहुत अपडेट है। तो उसमें अगर हम बात करें कि क्या अगर हमारी आंखों में नंबर है या थोड़ा नंबर है, जैसे एक क्वेश्चन अभी था कि मेरी लेफ्ट आई में तो 6x6 है और मेरी राइट आई में 6x9 है, तो क्या मैं SSC GD में पास हो जाऊंगा या नहीं। तो कभी कभी ये जो 6x9 होता है ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है कि 6x9 बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, मेहनत करें और ध्यान दें, और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी अगर उसको ज़्यादा और ना बढ़ने दें तो माइट बी पॉसिबल कि ये 6x9 भी 6x6 हो सकता है। तो इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। और मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जो हम आजकल का खाना खाते हैं उसमें कभी कभी कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है, तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, समय पे आपको खाना नहीं मिल पाता, या आप घर से जब बाहर निकलते हैं तो टिफ़िन नहीं कैरी कर पाते हैं, तो ऑलमोस्ट कुछ स्थितियों में अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो विटामिन और मिनरल्स की भी कमी हो रही होगी। तो उसके लिए मैं एक सजेस्ट जरूर करूँगा कि आँखों के लिए जो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसको आप कैप्सूल के माध्यम से भी पूरा कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है ये कि आप कहीं से भी जाकर विटामिन ए के जो एक शीशी होती है, एक बाइल होती है, उसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं, और जो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, और वो विटामिन ए के कैप्सूल आप रोज एक खा सकते हैं कुछ दिन तक, उसके बाद ऑल्टरनेट डे उसको ले लीजिए, और इससे जो विटामिन ए की जो शरीर में कमी है वो पूरी हो जाएगी। विटामिन ए के कई रोल होते हैं, और ये इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ अपनी त्वचा अच्छी करता है, और आँखों में अगर विटामिन ए की कमी है तो उसको भी पूरा करेगा। ये अगर हम मार्केट में देखें तो आपको ये एक्वासोल नाम से अवेलेबल होते हैं, और इसकी आप शीशी देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके की होती है, ये आपको हर जगह बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, और जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 27 से 30 रुपए के बीच होता है, ये आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी व्यूअर्स आपका सेम है, इसी से मिलता जुलता, कि अगर मैं किसी भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो SSC GD हो, आर्मी हो, रेलवे हो, जिसमें कि आंखों की जांच बहुत गहनता से की जाती है, तो उसमें अगर मेरा नंबर 0.25 है, 0.50 है माइनस में, और या फिर उससे ज़्यादा है, तो क्या मुझे एपिकॉन्ट्रा कराना चाहिए। तो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि एपिकॉन्ट्रा आज के समय की सबसे आधुनिक लेज़र टेक्नोलॉजी है जो भारत के कुछ ही संस्थानों में होती है। तो ये आप कराएं या ना कराएं, ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ को, इनके क्वेश्चन में जैसे ये है और आप लोगों ने जो पूछे हैं, तो उसमें अगर आपका नंबर 0.25 है या 0.50 है, तो उस स्थिति में तो पहले मैं ये कहूँगा कि अपनी डाइट को थोड़ा अच्छा करिए, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी लग रही है आपको, या खाने में अगर नहीं है और आपको लगता है मैं ज़्यादा समय तक भूखा रहता हूँ, तो जैसे मैंने भी बताया कि आप उस कैप्सूल को यूज़ करिए, और साथ ही साथ तो फिर कुछ एक्सरसाइज भी करिए, आई एक्सरसाइज जो हमने पहले भी बताई हैं आपको, उनसे करके देखिए। अगर आपके पास समय है थोड़ा, दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर करिए, और मैं समझता हूँ कि अगर आप ध्यान रखेंगे अपना तो डेफिनेटली ये जो 0.25 है, 0.50 ये बहुत मतलब
बहुत कम नंबर होता है, ये कम मतलब हट सकता है आँखों से, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं जाता है, ये फिक्स हो गया है, एक ही जगह पर है, या इससे ज़्यादा नंबर है आपका, -1 के आसपास या -2 के आसपास है, और आप ये प्रोसीजर कराना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली करा सकते हैं। और जब आप ये कराने जाएंगे, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये भारत के कुछ ही संस्थानों में होता है, और उन संस्थानों में जब आप उन एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो वो खुद ही बताएंगे कि ये आप मेडिकल में इसको प्रोसीजर को कराकर आप मेडिकल में जा सकते हैं आराम से, और इससे किसी भी तरीके की आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। और जहाँ तक आपके इस सवाल का जवाब है कि क्या ये टॉर्च से या कोई डॉक्टर अगर इसको देखेगा मेडिकल का, तो क्या ये डिटेक्ट हो जाएगी या किसी मशीन से डिटेक्ट हो जाएगी, तो उसमें जो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए एक ही टेस्ट होता है आँखों का, जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, और वो टोपोग्राफी अभी हमारे किसी भी मेडिकल जो टेस्ट होता है जो जॉब के कंसर्न में, उसमें अभी तक तो नहीं होती। तो अगर टोपोग्राफी होती है तो ये पता चल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो आज के समय में जहाँ पर रेलवे या जो दूसरे जो भी जॉब्स हैं उनमें अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमें अपनी आँखों का विज़न ठीक करना है, तो इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। और इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं, जो कुछ संस्थानों में जो इसका ऑपरेशन होता है, उन एक्सपर्ट से भी मिलकर इस बारे में बिल्कुल क्लियर पिक्चर अपनी कर सकते हैं। ये संस्थान कौन से हैं, इसको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आपके। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है लिस्ट, यही संस्थान ऐसे हैं भारत में जो कि इस एपिकोन्ट्रा को करते हैं, और इन्हीं संस्थानों में ये एपिकोन्ट्रा होता है। तो आपका अगर प्लान एपिकोन्ट्रा के बारे में है, तो आप इस प्रोसीजर को इन संस्थानों में करा सकते हैं। तो आज की वीडियो से हमारे दोनों सवाल ये क्लियर हो जाते हैं कि अगर हमारा नंबर शुरुआती स्तर पर है, तो क्या ये एक्सरसाइज से ठीक होगा या नहीं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर हमारा शुरुआती स्तर पर नंबर है, कम नंबर है, -1 के आसपास है या 2 के आसपास है, तो क्या हमें एपिकोन्ट्रा कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं, अगर आप जॉब के कंसर्न में सोच रहे हैं तो। तो इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देखते हैं, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आप दो तरीके से मुझे दे सकते हैं। एक तो वीडियो लाइक करके, दूसरा वीडियो के नीचे जो कमेंट ऑप्शन होता है उसमें कमेंट करके। आपके फीडबैक हमें डायरेक्शन भी देते हैं कि हमारी ऑडियंस किस तरीके की है, क्या चाहती है, क्या पसंद करती है। क्योंकि जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट्स, वो तो हमारे सामने होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ आप हमारे सामने नहीं हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से मिले। और अगर आपको अच्छा लगता है यहाँ पर वीडियोस देखना या आपके सवालों के जो जवाब हम यहाँ पर देते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आपके पास ऑप्शन सब्सक्राइब करने का है, जो लाल बटन यहाँ दिया हुआ है, तो आप इससे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। तो अगले बार हम आपसे नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके ही सवाल हैं, बहुत सारे आपने सवाल दिए हैं, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।